भीम विधायक हरि सिंह रावत ने विधायक फंड से पशुओं को एक्सीडेंट में लाने ले जाने के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा। बता दें कि राजसमंद के जिला कलेक्ट्रेट में आज भीम विधायक हरि सिंह रावत, जिला कलेक्टर भवन लाल ने हरी झंडी दिखाकर 4 मोबाइल वेटरनरी चिकित्सा इकाइयों को रवाना किया है। तो वहीं इस अवसर पर राजसमंद में मीडिया से बात करते हुए भीम विधायक हरि सिंह रावत ने अपने विधायक फंड से पशुओं को एक्सीडेंट में लाने ले जाने के लिए केयरिंग एम्बुलेंस के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की है। देखिए, हमारे मोदी जी की है ना गारंटी के अंतर्गत ये भी योजना जोड़ी थी कि भाई हमारे मोबाइल वेंटिलेटर इकाइयों को लोकार्पण मतलब मैंने आज किया इसके संदर्भ में कि जानवरों को मतलब इंसानों को तो चलो फर्स्ट एड मिलता है, 108 की व्यवस्था थी, लेकिन जानों के लिए कोई सुनाई नहीं करते थे। इसलिए इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आज जानवरों के प्रति भी इन्होंने एक सिंपैथी जताई और उन्होंने हर एक जहाँ पे 1 लाख गायों का या जो भी जानवरों का है वहाँ पे एक मोबाइल वैन दी है ताकि इससे जिस प्रकार 108 की तर्ज पर ही ये काम करेगी, मान लो कोई बीमार है तो वह जाके इलाज करेंगे, ज़्यादा सीरियस है तो उनको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे। और इससे बढ़कर मैंने भी आज एक काम किया, मैंने भी 30 लाख घोषणा की है कि 2 जो कैरिंग एम्बुलेंस बनेगी गाड़ियाँ ताकि जैसे अभी मेरे हाईवे पड़ता है गोमती से लेकर ब्यावर तक, आज दिन एक्सीडेंट होते हैं, गायें मतलब अकाली मतलब मृत्यु को आगे चली जाती है, तो उसको मैं ध्यान रखते थे। आज मैंने जो मीटिंग थी उसमें मैंने ये घोषणा की है कि मेरी तरफ से भी मतलब विधायक मत से मैं देना चाहता हूँ ताकि जिस प्रकार आज इंसानों को उठा के ले जाते हैं फर्स्ट एड कर, ऐसे ही मैं देखता हूँ हमारे गायों को भी या जो भी जो इसमें एक्सीडेंट में कोई घायल हो जाए तो तत्काल उनको सेवा मिल सके। उससे मैंने गाड़ियाँ देने के किया, मैंने जो भी इन संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी बोला भी इनके किस प्रकार ये वैन बनती है उसका एक पूरा ड्राइंग बना के दो और उसका एस्टिमेट बना के दो कि उतना पैसा मेरे एम एल एड से दूंगा ताकि जानों को मतलब इंसानों की तरफ पर जानों को भी ये सुविधा मुहैया हो सकेगी। थैंक यू।